हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थानी विलेज ब्लॉगर चैनल में। आज हम आपको सिखाएंगे राजस्थान का नाश्ता जो सूजी से बनाया जाता है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए हमें ज़रूरत है सूजी की और छाछ, जिसको लस्सी बोलते हैं, यही डलती है इसमें। और ये हमने ली है 2 कटोरी सूजी। उस सूजी में डालने के लिए हम दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है दही। और दही में मैंने पहले ही कुछ नमक और मिर्ची और कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अगर आप नहीं डालना चाहो तो मत डालना, आप बाद में भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने पहले डाल दिया। मुझे ये जो पहले डालते हैं, इससे क्या होता है वो टेस्ट अच्छा बैठता है इससे, तो वो आपकी इच्छा है कि आप वो पहले डालना चाहते हो या बाद में डालना चाहते हो। तो मैंने दही में मिला दिया था कुछ मसाला, जिससे कि आपकी जो सूजी दही के साथ मैश करते हो तो उसमें कुछ अगर मसाला डाल देंगे तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो देखो इसमें हमने क्या डाली थी, दही डाला था, उसको मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसमें और दही डाला है। हम इनको एक मिलाएंगे, पूरी जो सूजी है वो दही में मिल जानी चाहिए। अभी एक गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा, इसमें कुछ और छाछ डाल देते हैं। अब दही से क्या होता है, वो पतला नहीं बन पाएगा, तो पहले तो मैंने दही डाला था, उसके बाद में छाछ ली है, जिससे कि वो थोड़ा पतला बन जाए उसका घोल। छाछ डाल के उसको वापस से मिलाया है। अब इसको 10 मिनट कम से कम, या ज़्यादा भी रख सकते हो, किसी बर्तन से ढककर इसको आप रख दोगे। ये अब 10 मिनट रखने के बाद अपना डो देखते हैं। डो क्या है कि डो जैसा ही बन गया आपका, बिल्कुल आटे जैसा दिख रहा है। अब मैंने मसाले तैयार कर रखे हैं, टमाटर बारीक कटे हुए हैं, प्याज बारीक कटे हुए हैं, और ये है आपकी हरी मिर्च, ये है प्याज, और ये है आपके टमाटर, बिल्कुल बारीक काटे हैं। और इनके अलावा और भी आप धनिया या पुदीना कुछ भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। अब ये सारा जो मसाला है, अभी फिर भी गाढ़ा लग रहा है 10 मिनट रखने के बाद भी, तो मैंने इसमें और डाला थोड़ा सा लस्सी, और जो कटी हुई थी सारी सामग्री इसमें डाल दी है। अब इसको वापस मिलाएंगे। ये मैंने मिला दिया है। अब इसमें अब डाला है मिर्ची, पहले डाला था दही में, वो थोड़ा सा डाला था, जिससे क्या है वो फीका नहीं बने, और 10 मिनट रहेगा तो उसका टेस्ट अलग बैठता है। तो आप अब अभी भी डाल सकते हो सारा सामान एक साथ, अगर आप पहले नहीं डालना चाहते तो। अब मैंने थोड़ी लस्सी और डाली है, क्योंकि अब जब इसको तवे पे डालेंगे तो आपको पतला घोल चाहिए बिल्कुल, तो मैंने दही वापस इसमें छाछ डाली है और इसको वापस पतला बनाया है। ये आपका बनके तैयार है सूजी और दही का मिक्सर। अब तवे पे डाला है मैंने तेल। अब सरसों का भी यूज में ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या थोड़ी सी वो आएगी स्मेल, तो सोयाबीन का ले सकते हैं, लेकिन मैंने सरसों को लिया, वो थोड़ा सा उबला हुआ है। ये ऑयल बिल्कुल कम डाला है मैंने, क्योंकि दोनों साइड से बनाने के लिए सिर्फ यही ऑयल काम मिलूंगी, वापस ऑयल नहीं डालूंगी। और आप चाहते हो तो पहले थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो, मैंने एक बार में थोड़ा सा डाल दिया ताकि दोनों साइड से इससे सिक जाए। ये डाला मैंने तवे पे, ये देखो तो ऑयल आपका गर्म हो गया था बिल्कुल। आप जितना चाहे बड़ा, जितनी जो भी साइज आपकी मनपसंद साइज और जितना बड़ा बना सकते हो आप। जैसे तवे पर रखने के बाद देखो इसमें बूंदे दिखाई दे, आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये पकने को तैयार हो गया है। आप इसको बदल सकते हो, ये देखो किनारे भी छोड़ने लग गए इसके, ये जैसे ये बुलबुले दिखाई दे रहे, इससे पता चलता है कि नीचे से पक के तैयार हो गया है। अब इसको पलटना चाहिए, ये देखो थोड़ी देर और रखा, ये ऊपर जो वाइट वाइट दिख रहा है ये सारा ही क्या हो जाएगा, वापस येलो इसमें आपको दिखने लग जाएगा। इसका मतलब आपका ये इसको यहाँ पे राजस्थान में
ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया दोनों साइड से। अब इसको पलट के दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये थोड़ा सा अगर ये अगर आप बनाना चाहते हो अच्छे से बने आपके, तो मीडियम फ्लेम पे बनाना, क्यों हाई पे थोड़ा जलने का रहेगा और कम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखो दोनों साइड से सीख गया है, ये आपको दिख रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है ये, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। ये आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, और हम खाते हैं इसको छाछ के साथ, क्योंकि हम लोगों को छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉस के साथ भी खा सकते हो, अगर सॉस नहीं है तो आप छाछ भी यूज ले सकते हो इसमें। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और धन्यवाद।